श्री शिवाय नमस्तुभम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। मेरे सभी शिव भक्तों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो बिना देरी करिए इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी से अभी ज्यादा ज्यादा शेयर। दोस्तों, पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा जल्दी ही होने वाली है। दोस्तों, अमलेश्वर महादेव घाट के नजदीक रायपुर से 8 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ये अमलेश्वर शहर, जहाँ पर होने वाली है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की भव्य कथा, जो कि आप सभी देखकर हैरान होने वाले हैं। दोस्तों, अभी अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की एक कथा छत्तीसगढ़ में होकर खत्म हो गई है, जो कि दोस्तों हुई थी कुरुद छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगली कथा भी होने वाली है छत्तीसगढ़ में, जहाँ का मेन स्थान है अमलेश्वर। यहाँ पर होगी भव्य शिव महापुराण 27 मई से, जिसे सुनने के लिए सभी शिव भक्त, सभी छत्तीसगढ़ के भक्त, आप सभी को पहुंचना होगा। और दोस्तों, कहां पहुंचना होगा ये सब आपको इस वीडियो की जानकारी में मिलेगा। आप चाहे तो बस से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, और चाहे तो अपनी सुविधा कार से आ सकते हैं, और ऑटो वगैरह ई रिक्शा सबकी सुविधा आप सभी को मिलेगी। स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक के आप सभी को उतरना होगा दोस्तों रायपुर रेलवे स्टेशन में या रायपुर बस स्टैंड में। महादेव घाट में भी बस स्टॉप आता है, तो आप कथा पंडाल के नजदीकी बस स्टैंड में भी उतर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा जिनकी कथा होने वाली है 27 मई से, दोस्तों ये बहुत ही भव्य कथा होने वाली। यहाँ पर रहने खाने और डोम सेट की सारी सुविधा होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है बरसात का मौसम चल रहा था, तो आपको पंडाल थोड़ा अगड़ा बगड़ा दिखेगा, जिसमें पंडाल के थोड़े कुछ पुर्जे उड़ चुके थे, वो भी आंधी तूफान में, लेकिन फिर भी पंडाल खड़ा है दोस्तों, और पंडाल बन रहा है। कथा भी होगी 27 मई से, और दोस्तों 27 मई के एक दिन पहले 26 मई को होगी दोस्तों कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा शिव महापुराण पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, जिसे सुन करके देख करके आपको भी मजा आने वाला है। महादेव घाट से नजदीक शिव महापुराण है, तो दोस्तों जो कलश यात्रा है वो महादेव घाट से निकलेगी और कथा पंडाल तक पहुंचेगी। आप सभी को कलश यात्रा में भी शामिल होना है, शिव महापुराण में भी शामिल होना है, तो आप सभी से निवेदन है बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी तक के फैलाइए। जितने भी आपके रिश्तेदार है, जनता है, जिन्हें नहीं पता इसके बारे में, उनको पता चलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर। पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बोला है यहाँ पर बहुत ही भव्य सुविधा होने वाली है। कुरुद छत्तीसगढ़ में भी अच्छी कथा हुई थी, अब दोस्तों हमारे अमलेश्वर शिव महापुराण भी बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ को दो कथा मिली है, कथा में जो भी सुविधा होती है वो सब यहाँ पर रहेगी, आप सभी को सारी सुविधा मिलेगी। बस आपको आना है, शिव महापुराण सुनना है और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमः शिवाय, ऐसी वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी को बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हर हर महादेव। दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं आप सभी से और आगे भी और जानकारी देते रहेंगे हर जगह जहां पर शिव महापुराण होगी। बस आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए रिश्तेदारों में और अन्य जगह पे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा।